नमस्कार, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमने क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन में ये कहना था उनका कि मेरे पास दो फंड है और मेरे पास दोनों फंड में स्मॉल कैप फंड में एसआईपी चल रही है और मेरे पास अभी 3 लाख रुपए है, मुझे एक फंड में डालना है, अभी डालू या नहीं डालू, सलाह दीजिए। कहने का मतलब पूछ रहे हैं कि अभी के टाइम पर मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, और अपन अगर करेंगे तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कितना पैसा बन जाएगा, ऐसे उनके क्वेश्चन थे। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, उन्हें SBI स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में SIP शुरू कर दी और ये चल रही है उनकी SIP। देखिए, SBI स्मॉल कैप फंड में 3,500 रुपए की और अगर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 5,000 रुपए की इसमें SIP चल रही है। कहने का मतलब है कि 8,500 रुपए की उनकी पर मंथ की SIP चल रही है। अब इसी के साथ साथ अब वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे को लमसम करना है 3 लाख रुपए। उनके पास अभी 3 लाख रुपए लमसम है और उनको लमसम भी करना है, तो आखिरकार फंड भी उन्होंने ढूंढ लिया है, HDFC मिड कैप फंड। और देखिए, ये फंड भी बहुत अच्छा है, मिड कैप कैटेगरी बहुत अच्छी है और लमसम आप कर रहे हैं और एक मीडियम टाइप का रिस्क का इन्वेस्टर है जो मिड कैप में डाल सकता है, तो आपने बहुत अच्छा फंड चुना है, मिड कैप फंड। HDFC का मिड कैप फंड बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं। अभी देखिए, आप 3 लाख रुपए लमसम करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लमसम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे पैसे बनते हैं लॉन्ग टाइम में, आपके पास टाइम भी ठीक है, सब ठीक है। लेकिन देखिए, अभी के टाइम पर है ऑल टाइम हाई पे मार्केट, अभी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगता है, अभी के टाइम पर ऑल टाइम हाई पे निफ्टी 21,000 को क्रॉस कर चुकी है। इसका मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसका मतलब है बहुत अच्छी बात है कि निफ्टी बहुत अच्छी रिटर्न दे रही है, अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रही है। लेकिन देखिए, जब कोई चीज सबसे ज्यादा महंगी मिले, कहने का मतलब है जब कोई चीज 100 रुपए की चीज आपको 150-200 रुपए में मिले तब आपको नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो अभी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं हुआ है ना, बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, मेरी आपसे एक ही सलाह है कि अगर आप लमसम करना ही चाह रहे हैं और करना ही है आपको अभी के टाइम पे लमसम, तो आप ना एक ही बार में पूरा मत करिए। और अगर अभी आप लमसम नहीं कर सकते तो हो सकता है कुछ दिन बाद करें, लेकिन देखिए ये भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद मार्केट और भी ज्यादा हाई पे पहुंच जाए, तो अपन कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि मार्केट अभी और भी ऊपर जाएगा या एकदम नीचे जाएगा। इसी कारण ना दोनों चीज में एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बैठती है कि आपको ना जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना है उसके टुकड़े कर लीजिए और अलग 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 महीने में SIP जैसा, जैसे कि इसके 3 लाख है तो इसके 6 टुकड़े कर लीजिए, 6 टुकड़े मतलब 50-50 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए के 6 टुकड़े हो गए, तो हर महीना एक 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 डाल दीजिए 6 महीने तक। इससे क्या होगा, अब देखिए, हो सकता है इस साल मार्केट है 21,000 रुपए, मतलब इस महीने मार्केट 21,000 रुपए, हो सकता है अगले महीने ये 22,000 भी पहुंच जाए, कोई अपन गारंटी से तो बता नहीं सकते कि नीचे ही आएगा ऊपर आएगा, या हो सकता है अगले महीने गिरकर ये 20,000 पहुंच जाए या और अगले महीने गिरके और नीचे पहुंच जाए। तो देखिए, जब आप हर महीने लेंगे ना, 21,000 रुपए, हो सकता है 20,000 रुपए ले, फिर 21, मतलब आपका एक एवरेज पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी की अभी पूरा का पूरा डाल दिया 21,000 रुपए, मार्केट 21,000 रुपए ही है और ऑल टाइम हाई पे, हो सकता है कि आज से कुछ दिन बाद मार्केट गिर के 19,000-20,000 रुपए आ जाए, तो इससे क्या होगा कि आपने बहुत हाई में खरीद लिया और आपके पास अपॉर्चुनिटी बन सकती थी कम रेट में खरीदने की, तो उस समय आप पछताओगे और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ही पछताते हैं। इस कारण कभी भी अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो या बहुत हाई पे हो, तो अगर आपको लमसम करना ही है उस टाइम पे, अगर ऑल टाइम मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है तो उस टाइम पे करना ना ही बनता है। लेकिन अगर अंडर वैल्यूड भी नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है, फेयरली वैल्यूड है, तो इसका मतलब यह है कि फेयरली वैल्यूड से मतलब है ना बहुत महंगे मिल रहा है ना बहुत सस्ते मिल रहा है, जितना अमाउंट है मतलब जितनी प्राइस है उतने में ही मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसके टुकड़े कर लेना चाहिए, अलग 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 खरीदना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको जो समझाने वाली बात थी आप मेरे को मैंने समझा दी है। अब अपन देखते हैं कि आखिरकार आप अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये भी SIP चलने देते हैं और अभी आप अगर ये 3 लाख रुपए लमसम भी कर देते हैं तो आपका कितना पैसा बनेगा, अपन SIP कैलकुलेटर से, लमसम कैलकुलेटर से बहुत सारी चीज कैलकुलेट करके देखते हैं कि अब मैंने SIP के और लमसम के रिटर्न लिख लिया। और मैंने लाइव आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता। अब देखते हैं, मैंने सारी चीजें कैलकुलेट करके रखी है। अब सबसे पहली बात कि आप पहले से SIP कर रहे हो तो SIP की अगर दोनों अमाउंट को जोड़ दो, दोनों स्मॉल कैप फंड को, तो 8,500 रुपए की आपकी SIP हो जाती है। और आप स्मॉल कैप फंड में कर रहे हो मतलब कि आप एक रिस्की इन्वेस्टर हो, एक अग्रेसिव प्रोफाइल रखते हो, तभी आप इसमें कर रहे हो इन्वेस्टमेंट।
और ये ध्यान रखिएगा कि आप जब एग्रेसिव प्रोफाइल रखो तभी आपको अपना बड़ा पोर्शन स्मॉल कैप फंड में डालना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं, रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हो सकता है कि रिटर्न आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले, लेकिन मैं 22% रिटर्न देखने मतलब 22% मान के चलता हूं, क्योंकि देखिए एसबीआई का अगर 10 साल का रिटर्न देखे तो 28% है, निपॉन इंडिया का 30 से ऊपर है, तो फिर भी मैंने एवरेज 22% माना हूं। हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा ही रिटर्न देखने को मिले, लेकिन मैंने कैलकुलेशन के लिए इतना ही रखा हूं। तो देखिए और टाइम है 10 साल, आपको 10 साल है, लेकिन देखिए हो सकता है कि आपको उस समय जरूरत ना हो और उसको आगे बढ़ाते जाए तो आपका कितना पैसा बन सकता है, एक अंदाजा आप लेके चलिए कि ज्यादा समय में कितना पैसा बढ़ता है। तो देखिए अगर हम 10 साल की बात करें तो 6 लाख रुपए आपका जमा होगा और आपका टोटल पैसा बन जाएगा 21,80,000 के करीबन। अब यही चीज अगर आप 20 साल की कर दे तो 20 साल में अगर आप रुक सकते हो तो आपका पैसा जमा होगा 12 लाख रुपए और आपका टोटल पैसा हो जाएगा 2.25 करोड़ से थोड़ा कम, 2,15,00,000 रुपए। अगर अपन यही 30 साल की बात कर दे तो आपका 18 लाख रुपए जमा होगा और आपका पैसा बन जाएगा 19,20,00,000 रुपए। अब देखिए 19,20,00,000 रुपए आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन देखिए ये कंपाउंडिंग का रिजल्ट है, लेकिन सिर्फ रिटर्न को देखकर, अब देखिए इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे तो इतना पैसा बन सकता है, हाँ जी बिल्कुल बन सकता है, लेकिन 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 ये स्मॉल कैप फंड है और स्मॉल कैप फंड में रिस्क होता है, वॉलिटिलिटी होती है, और जो वॉलिटिलिटी झेल सकता है और कई कई बड़ी बड़ी गिरावट झेल सकता है, लंबा समय है तभी ये हो सकता है। और लंबा समय मतलब ये 30 साल दिख रहा है आपको, 30 साल में 19,20,00,000 देखने में मिल रहा है, और अगर आप 30 साल तक रह सकते हो और स्मॉल कैप फंड में रिस्क उठा सकते हो, वॉलिटिलिटी झेल सकते हो, तभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब हम देखते हैं लमसम की। अब देखिए आप 3 लाख रुपए लमसम करना चाहते हो, मिड कैप फंड में करना चाह रहे हो, मिड कैप फंड बहुत अच्छा होता है, एक मीडियम रिस्क वाला, तो हो सकता है कि कई कई मिड कैप फंड ने 22-23% के रिटर्न दिए, लेकिन मैं इसको सिर्फ 18% मान के चल रहा हूं, क्योंकि देखिए हो सकता है आपका फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे, हो सकता है आपका एवरेज रिटर्न दे, और मैं आपका एवरेज मान के चल रहा हूं। तो अगर आपका फंड 18% देता है, टाइम आपका 10 साल है, तो अगर आप 10 साल ये 3 लाख को लगाकर छोड़ देते हो और आपको 18% ही रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा 15,70,000 रुपए हो जाएगा। तो यही चीज अगर आप 20 साल के लिए छोड़ दो तो आपका पैसा 82,18,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए टाइम बढ़ाते जाने पे आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और यही चीज अगर आप 30 साल के लिए कर दो तो ये आपका पैसा 4,30,00,000 रुपए भी हो जाएगा। लेकिन देखिए इस चीज में सिर्फ एक ही दिक्कत है कि आपको लंबे समय तक टिकना पड़ेगा। दिक्कत इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि लोग आते हैं और सोचते हैं कि आज से 2 साल 3 साल 5 साल बाद मेरा पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, वैसे ही पैसा हो जाएगा। देखिए ऐसा हो सकता है, लेकिन टाइम बहुत मायने रखता है। आपको पैसा डबल करना है या 10 गुना करना है, मुझे आप बताइए। अगर आपको ज्यादा बड़ा पैसा चाहिए तो उसके लिए टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा इसके साथ साथ पेशेंस भी लगेगा, और आपको कई सारे उतार चढ़ाव भी देखना पड़ेगा। अगर आप उतार चढ़ाव भी देख लेते हो, टाइम भी देते हो, तो आपका बेशक पैसा बनेगा। और देखिए ये वीडियो कोई भी मतलब बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है कि आप इसमें जाके खरीदिए, इसमें जाके बेचिए, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई है। अगर आप देखिए अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो दिए गए ऐप नीचे ऐप है उस पर आप जाकर मैसेज कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो। अगर आप मैसेज करते हो तो आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, इस कारण मैंने आपको बताया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा।